ਕੈਪਟਨ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ बहुत ही सत्कारयोग मंच ते बैठे साहबान पंडाल विच बैठी सत्कारयोग संगत जी, आज मैं दोनों भाषाओं विच गल करांगी क्योंकि मेरी जन्मभूमि हरियाणा है, मैं हरियाणा की बेटी हूँ और अब मेरी कर्तभूमि पंजाब है कि मेरी शादी पंजाब में हो चुकी है और पंजाब की ओर से मैं पूरे देश का नेतृत्व करती हूं आंगनवाड़ी फेडरेशन का और इस आंदोलन से मैं आज ही नहीं जुड़ी हूं। 5 जून को जब हिंदुस्तान की संसद में ये काले कानून आए और 10 जून को पहले दिन पूरे हिंदुस्तान की संयुक्त मोर्चे ने यह प्रतिलिपियां जलाने का काम किया तो संगरूर के उस आंदोलन में मेरी पहली हाजिरी थी और उससे लगातार हाजिरी है। और मेरी नहीं, हमारी जो यूनियन है जिसकी देश के अंदर 8 लाख से ज्यादा मेंबरशिप है और पंजाब में आंगनवाड़ी मुलाजिम सीटों की लड़ाई पंजाब के किसी भी प्रवक्ता या किसी भी आदमी से अनजान नहीं है। बात है जो जल लेके आने की, हमने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना साडे नेतावां दी गल कि इत्थे दा पानी भी कट दिता गया है। ते साडे बहुत ही सत्कारयोग जिन्हों में माता दा दर्जा दिता होया अनूप कौर जी जड़े मंच से विराजमान ने ए हरी के पत्तन दे नेड़े बलेर पिंड दे विच बसनीक ने मेरे नाल राय कीती, कहिंदे पुत ए पानी कट दिता है तो आप क्यों ना सतलुज रावी ब्यास का पानी हरी के पत्तन तो लेके जाइए कि मोदी पंजाब का नाम तो पंज जमा आप पानी दे पे है ते तू पंजाबियों नू पानी तो बिना किदा वांझे रख सकता है। तो मैं क्या माता कला पंजाब दा ही नहीं असी मिट्टी हरियाणा दी भी लेके जावांगे। संभू बॉर्डर टपके अंबाले तो तुसी मिट्टी हरियाणा दी भी चुक लियो क्योंकि मैं दिल्ली दे विच पहला ही मौजूद हाँ। ए हरियाणा ते पंजाब दा भाईचारा जिन्हें मोदी नू बख्त जेड़े आज तक दिया गेमा खेलिया अमित शाह ने कि हिंदू तो मुस्लिम नू लड़ा दे हुणे नू लग्या के हिंदू तो सिख नू लड़ा दे। मैं धन्यवाद करती हूं मेरे हरियाणा के भाइयों का जिन्होंने रात को नींद हमें भी नहीं आई 1:30 बजे तक जब तक बिजनौर और मेरठ से लोग गाजीपुर के बॉर्डर पे नहीं पहुंचे। जब मैंने देखा 10:10 पे गांव कंडेला के अंदर जिन चंडीगढ़ हाईवे को जाम कर दिया और मेरे भाई का फोन आया, बहन नींद तो नहीं आ रही, हम लोगों ने तो कंडेला खापने निकल के जाम कर दिया। और फिर 10 मिनट में देखा कभी भिवानी और कभी करनाल का रास्ता टोल प्लाजा और पानीपत। हरियाणा के मेरे भाइयों ने जो इस आंदोलन में जान फूकी है साबित कर दिया, जैसे राम को भटकने नहीं दिया लक्ष्मण ने, आज उन्होंने वो साबित कर दिया कि भाई तू बड़ा भाई है तो ये लक्ष्मण तेरे से पहले अपनी जान देगा, ये कदम भी पीछे नहीं हटेगा और इसने पूरे संसार में साबित कर दिया। तो बात भाषण देने की नहीं है, मंच पे बड़े भाषण करने का समय भी मिलता है। बड़े बड़े मंचों पे लोग 4 धाम की यात्रा करते हैं, इससे बड़ा कोई धाम नहीं। सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर और
नसीब हूं कि मैंने चारों धाम की यात्रा कम से कम 7-7 बार कर ली है, 7-7 बार चारों धाम की यात्रा। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि 26 जनवरी को हम इसको नुकसान ना देखें, क्योंकि जितनी बड़ी चाल थी गृह मंत्री की हमारे लोगों के नौजवानों को मरवाने की, वो उसमें कामयाब नहीं हो सका। और हरियाणा और पंजाब तो एक ही है, तो हिंदुस्तान की आजादी के अंदर हरियाणा और पंजाब की 92% कुर्बानी और हिंदुस्तान का सबसे छोटा शहीद सरदार करतीर सिंह सराबा इस देश का अरमान है, तो इनको डराएंगे, इनको डराएंगे। तो इसलिए अमित शाह तूने अपना आखिरी पत्ता खेल लिया। और हम सड़कों पे किले, अगर इतनी कंडीली तार लगाने की हिम्मत है तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो चीनियों ने गांव बसा लिया उस जैसा को जो तुमने क्रिकेट का अध्यक्ष बनाया, तो उस बॉर्डर पे क्रिकेट का मैच लगवा के दिखा दे, पता लग जाएगा एशिया का क्रिकेट का अध्यक्ष कैसे बनाते हैं। फिरोज शाह काटला मार्ग का स्टेडियम का नाम बदलेंगे, अरे किस किस का नाम बदलोगे, हमारा एक ही नाम है, हिंदुस्तान का इंसान इंसान, और इंसान है वो किसान, किसान की कोई जात नहीं, किसान का कोई धर्म नहीं, किसान का कोई वर्ग नहीं। तो इसलिए हिंदुस्तान में दो ही तरह का वर्ग है, एक कमेरा वर्ग जो यहाँ पे बैठा है, और दूसरा वो लुटेरा वर्ग जिन्होंने हमारे देश को लूट लिया है। तो इसलिए समझने की जरूरत है, तुमने जो गोदी मीडिया के द्वारा जो जहर फैलाया, जो हमारे वेब चैनल के मीडिया को, इंडिपेंडेंट मीडिया को अंदर करवाया, तो आज हमारे बच्चे जो IIT में निपुण है तेरी इस गंदगी को धो दिया पूरे देश में, जो तू गंदगी फैलाना चाहता था, जो तुमने दंगे करवाने की कोशिश की। और मेरे बच्चे, जो मेरे छोटे बच्चे भी हैं, मेरे भाई तो पहले ही बहुत समझदार है, इसकी RSS की चाल को समझने की जरूरत है कि इनका जवाब सहनशीलता और समझदारी से देना है। ये पहले ही कहता था गुजरात मॉडल बनाऊंगा, गोधरा कांड कराने की इसकी जो मंशा थी वो कल ट्रेन इन्होंने जो मोड़ी है वहां भी उसकी वही मंशा थी, वो ट्रेन इसीलिए उसने डाइवर्ट किया कि किसान दिल्ली में पहुंच ना पाए। तो इसलिए अमित शाह तेरे सारे पत्ते खराब हो गए हैं, अब तो पत्ते गिरने का इंतजार कर। ये बुद्धिजीवी नेता, ये संघर्षशील नेता जिनको पूरा पंजाब, पूरा हिंदुस्तान अपनी पलकों पे बिठाया हुआ है, तेरी इस गोदी मीडिया की जो ये गंदी चाल है, ये इसको फेल करेंगे। हमारे नौजवान, हमारे IIT के स्टूडेंट इसका जवाब देंगे। बातें बहुत कर सकते हैं, तो मैं एक बार सारे नु फतेह बुलावांगी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सोनिया। सारे भाइयों को राम राम।